हेलो मेरी वाइडी फैमिलीज, कुकिंग फूड विद रेनूस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं हरी मिर्च की सब्ज़ी बनाऊंगी। बड़ी वाली मिर्च बनाई है, जिसके लिए सबसे पहले मैं स्टफिंग बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल लिया है, जिसमें मैंने ज़ीरा डाला है और बेसन डाल दिया है। बेसन को हम अच्छे से मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से भूनेंगे, जिससे ये अच्छे से पक जाएगा। तो मिर्च के अंदर कभी कभी क्या होता है कि वो सही से पक नहीं पाता, इसके लिए सबसे पहले हमको बेसन को अच्छे से पका लेना है। फिर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाला है और नमक डाला है। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, स्टफिंग में सभी मसाले का फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। फिर मैंने मिर्च को बीज से कट कर लिया है और इनके बीजे जो है वो निकाल लिए हैं। ऐसे ही सभी मिर्च की मैं बीजे निकाल लूँगी और फिर जो मैंने स्टफिंग तैयार की थी वो भर लूँगी। अच्छे से स्टफिंग को भर लेना है। तो फ्रेंड्स, सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी, आप ज़रूर बनाएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही है। तो इसी तरह मैं सारी मिर्च में स्टफिंग को अच्छे से भर लूँगी। तो ये मैंने जो बीजे निकाले थे इनको हम कट कर लेंगे और हम जब प्याज मिर्च तलेंगे तब इनको भी तल लेंगे। फिर मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है, खड़ा मसाला डाला है और फिर मैंने जीरा डाला है, प्याज मिर्च डाले हैं, इनको हम अच्छे से तल लेंगे और इनको मीडियम फ्लेम पे ही हमको मसाले को पकाना है। फिर जो बीजे थे मिर्च के वो डाल दिए हैं, ये भी अच्छे से तला जाएंगे मसाले के साथ। फिर मैंने हरी मटर डाली है, जिससे सब्ज़ी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और फिर मैंने नमक डाला है, जिससे प्याज अच्छे से जल्दी कुक हो जाएंगे। और फिर मैंने धनिया पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाला है और थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाला है। पहले ही स्टफिंग में सब मसाले डाल दिए थे, इसलिए मैंने थोड़े कम डाले हैं और हरी मिर्च भी डाली है। फिर जो मिर्च जो थी वो डाल दी है, इनको हम थोड़ी देर के लिए नहीं चलाएंगे। यदि अभी चलाएंगे तो जो स्टफिंग है वो बाहर निकल सकती है, इसे थोड़ा सा कुक होने के बाद ही चलाएंगे। और जो स्टफिंग बची थी वो डाल दी है, थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है, जिससे अच्छे से पक जाएंगी, नहीं तो मिर्च सही से पक नहीं पाती है। और इसको हम मीडियम फ्लेम पे ढक कर रख देंगे। 10 मिनट में हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आधी कुक हो चुकी है, थोड़ी देर के लिए और पकाया था मैंने। और अब हरी धनिया के साथ मैं इसको सर्व करूँगी, तो बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी लगी थी। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।